बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग के पिछले अध्याय में आपने सुना कि गांधी जी के स्वास्थ्य में बढ़ती गिरावट देखकर गोखले ने उनसे आग्रह किया कि वो डॉक्टर के सुझाए आहार लें जिनमें की दूध भी एक था परंतु गांधी जी अपने वक्तव्य पर डटे रहे कि मांस की तरह ही पशु का दूध भी मनुष्य का आहार नहीं है तो आइए इसी कड़ी में सुनते हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय दर्द के लिए क्या किया पसली का दर्द मिट नहीं रहा था इससे मैं घबराया मैं इतना जानता था कि औषधोपचार से नहीं बल्कि आहार के परिवर्तन से और थोड़े से बाहरी उपचार से दर्द खत्म हो जाना चाहिए सन अठारह में मैं डॉक्टर एलिनसन से मिला था वे अन्नाहारी थे और आहार के परिवर्तन द्वारा बीमारियों का इलाज करते थे मैंने उन्हें बुलाया वे आए उन्हें शरीर दिखाया और दूध के बारे में अपनी आपत्ति की बात उनसे कही उन्होंने मुझे तुरंत आश्वस्त किया और कहा दूध की कोई आवश्यकता नहीं है और मुझे तो तुम्हें कुछ दिनों बिना किसी चिकनाई के ही रखना है यूं कहकर पहले तो मुझे सिर्फ रूखी रोटी और कच्चे साग तथा फल खाने की सलाह दी कच्ची तरकारियों में मूली प्याज और किसी तरह के दूसरे कंद तथा हरी तरकारियाँ और फलों में मुख्यतः नारंगी लेने को कहा इन तरकारियों को कद्दूकश पर कसकर या चटनी की शक्ल में पीस कर खाना था मैंने इस तरह तीन दिन तक काम चलाया पर कच्चे साग मुझे अनुकूल नहीं आए मेरा शरीर इस योग्य नहीं था कि इन प्रयोगों की पूरी परीक्षा कर सकूं और न मुझ में वैसी श्रद्धा थी इसके अतिरिक्त उन्होंने 24 घंटे खिड़कियां खुली रखने रोज कुनकुने पानी से नहाने दर्द वाले हिस्से पर तेल मालिश करने और पाव से लेकर आधे घंटे तक खुली हवा में घूमने की सलाह दी ये सब मुझे अच्छा लगा घर में फ्रांसीसी ढंग की खिड़कियां थीं उन्हें पूरा खोल देने पर बरसात का पानी अंदर आता था ऊपर का रोशनदान खुलने लायक नहीं था उसका पूरा शीशा तुड़वाकर उससे 24 घंटे हवा आने का सुविधा कर लिया फ्रांसीसी खिड़कियां मैं इतनी खुली रखता था कि पानी की बौछार अंदर ना आए ये सब करने से तबियत कुछ सुधरी बिल्कुल अच्छी तो हुई ही नहीं कभी कभी लेडी सिसिलिया रॉबर्ट्स मुझे देखने आती थीं। उनसे अच्छी जान पहचान थी उनकी मुझे दूध पिलाने की प्रबल इच्छा थी दूध मैं लेता न था इसलिए दूध के गुण वाले पदार्थों की खोज शुरू की उनके किसी मित्र ने उन्हें मॉल्टेड मिल्क बताया और अनजाने में कह दिया कि इसमें दूध का स्पर्श तक नहीं होता यह तो रासायनिक प्रयोग से तैयार किए हुए दूध के गुण वाला चूर्ण है मैं जान चुका था कि लेडी रॉबर्ट्स को मेरी धर्म भावना के प्रति बहुत आदर था इसलिए मैंने उस चूर्ण को पानी में मिलाकर पिया मुझे उसमें दूध के समान ही स्वाद आया मैंने पानी पीकर घर पूछने जैसा काम किया बोतल पर लगे पर्चे को पढ़ने से पता चला कि यह तो दूध का ही पदार्थ है इसलिए एक ही बार पीने के बाद उसे छोड़ देना पड़ा लेडी रॉबर्ट्स को खबर भेजी और लिखा कि वे तनिक भी चिंता न करें वे तुरंत मेरे घर आई उन्होंने खेत प्रकट किया उनके मित्र ने बोतल पर चिपका कागज पढ़ा नहीं था मैंने इस भली बहन को आश्वासन दिया और इस बात के लिए उनसे माफी मांगी कि उनके द्वारा कष्ट पूर्वक प्राप्त की हुई वस्तु का मैं उपयोग न कर सका मैंने उन्हें यह भी जता दिया कि जो चूण अनजाने में ले लिया है उसका मुझे कोई पछतावा नहीं है ना ही उसके लिए प्रायश्चित की ही आवश्यकता है लेडी रॉबर्ट्स के साथ के जो दूसरे मधुर स्मरण हैं उन्हें मैं छोड़ देना चाहता हूँ ऐसे कई मित्रों का मुझे स्मरण है जिनका महान आश्रय अनेक विपत्तियों और विरोधों में मुझे मिल सका है श्रद्धालु मनुष्य ऐसे मीठे स्मरणों द्वारा यह अनुभव करता है कि ईश्वर दुख रूपी कड़वी दवाएं देता है तो साथ ही मैत्री के मीठे अनुपान भी अवश्य ही देता है डॉक्टर एलिंस जब दूसरी बार मुझे देखने आए तो उन्होंने अधिक स्वतंत्रता दी और चिकनाई के लिए सूखे मेवे का अर्थात मूंगफली आदि की गिरी का मक्खन अथवा जैतून का तेल लेने को कहा कच्चे साग अच्छे न लगें तो उन्हें पकाकर भात के साथ खाने को कहा ये सुधार मुझे अधिक अनुकूल पड़ा पर पीड़ा पूरी तरह नष्ट ना हुई सावधानी की आवश्यकता तो थी ही मैं खटिया छोड़ न सका डॉक्टर मेहता समय समय पर आकर मुझे देख जाते थे मेरा इलाज करे तो अभी अच्छा कर दूं। ये वाक्य तो हमेशा उनकी जुबान पर ही रहता था इस तरह दिन बीत रहे थे कि इतने में एक दिन मिस्टर रॉबर्ट साहब पहुंचे और उन्होंने मुझसे देश जाने का आग्रह किया इसी हालत में आप नेटली कभी नहीं जा सकेंगे कड़ी सर्दी तो अभी आगे पड़ेगी मेरा आपसे विशेष आग्रह है कि अब आप देश जाइए और वहां स्वास्थ्य लाभ कीजिए तब तक लड़ाई चलती रही तो सहायता करने के बहुत बहुतेरे अवसर आपको मिलेंगे वरना आपने यहां जो कुछ किया है उसे मैं कब नहीं मानता मैंने ये सलाह मान ली और देश जाने की तैयारी की अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय दर्द के लिए क्या किया वाचन स्वर था जैनेन्द्र सिंह का प्रस्तुतकर्ता निशा भारद्वाज